हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी का 2 दिन का एग्जाम हो चुका है, 12 और 13 तारीख को। अब सिर्फ 19 तारीख वालों का एग्जाम बचा है और कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर सेफ अटेम्प्ट कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी। देखो, स्टेट वाइज तो अपने बता नहीं सकते कि किस स्टेट की बेहतर जाएगी, किसकी बेहतर जाएगी, क्योंकि उसके लिए डेटा बहुत चाहिए और डेटा एक्यूरेट स्टूडेंट भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। अगर किसी ने 60 किए तो वो भी 70 पर टिक कर रहा है पोल में जाके, तो उस चीज़ से अपने गेन की वो चीज़ नहीं निकाल पाएंगे। पर एक एवरेज नंबर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है ना, तो आप लोगों के लिए अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। अगर आपने 68 किए हैं, 70 किए, 72 किए, 75 किए हैं, एक्यूरेसी आपकी 100% है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आपने 79 करके भी चार पांच गलत लगाए हैं, तुक्के से चार पांच लगाए हैं, तो उसमें आप लोगों का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये वाली चीज़ रहेगी। बाकी कट ऑफ जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी हर स्टेट की, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहने के चांसेस है, यानी एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसी के अराउंड आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लेरिकल की कट ऑफ रहने के चांसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।